people didn't want to believe that they could be healthy in the morning and dead by nightfall. They didn't want to believe that. I had a little bird. Its name was Enza. I opened the window and influenza. 1918 में एक जवान सोल्जर अमेरिका के एक अस्पताल में जाता है। वो अभी अभी वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने के बाद यूरोप से लौटा है और अपने परिवार के साथ रहने के लिए बहुत बेचैन है। लगातार बुखार और थकान के कारण उनकी माँ उन्हें अस्पताल भेजती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बस कुछ ही घंटों में उनके बेटे की स्किन नीली पड़ने वाली है, उसकी आँखों और कानों से खून बहने लगेगा और सुबह उनके लंग्स यानी फेफड़े फ्लूइड से भर जाएंगे और उसके अस्पताल में ही अकेले मौत हो जाएगी। स्पैनिश फ्लू या 1918 का इन्फ्लुएंजा कई एपिडेमियोलॉजिस्ट या महामारी वैज्ञानिकों के हिसाब से अभी तक की सबसे डरावनी बीमारी है। स्पैनिश फ्लू से 2 साल तक दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन लोगों की मौत हुई और 100 मिलियन एक बहुत 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 बड़ा नंबर है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन लगभग 100 मिलियन थी। 100 मिलियन गोवा की पूरी आबादी से 10 गुना ज़्यादा है और वर्ल्ड वॉर वन यानी पहले विश्व युद्ध की वजह से 40 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। भारत में शिमला से लेकर बिहार के कई गाँव तक देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो इस इन्फ्लुएंजा से बच पाया। मौतों की गति बहुत ज़्यादा थी। 1918 में 6 अक्टूबर को एक ही दिन में बॉम्बे में 768 लोगों की मौत हुई थी। देश में 12 से 17 मिलियन जाने गई। इस फ्लू का ब्रिटिश शासन की तरफ हमारी आंखें खोलने में बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ दिया था कि इसने पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को हवा दी। लेकिन ये कहानी किसी और वीडियो के लिए है। आज हम देखेंगे कि 1918 में हुई महामारी या पैंडमिक की तरफ दुनिया भर की सरकारों का क्या रवैया था और हमें इससे क्या सीखना चाहिए था। नंबर 1, हाउ टू नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ पैंडमिक। 2020 की दशा देखते हुए क्या आने वाली पीढ़ियां हमें निराशा से देखेंगी या गर्व से? आइए शुरू करते हैं 1918 से। 1918 का इन्फ्लुएंजा वर्ल्ड वॉर या विश्व युद्ध के दौरान फैला था, इसलिए दुनिया भर की सरकारें, खासकर वो जो वॉर का हिस्सा थी, राष्ट्रीय मनोबल यानी नेशनल मोरल में भंग नहीं चाहती थी। राइटर और हिस्टोरियन जॉन ब्री के हिसाब से राष्ट्रीय मनोबल कम ना होने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट झूठ बोलती रही और सच्चाई छुपाती गई। कई देशों में ऐसा भी हुआ कि सरकार लोगों को गलत जानकारी देती ताकि लोग डर कर काम या युद्ध से संबंधित अपनी ड्यूटी ना छोड़ें। ज़्यादातर देशों में बीमारी को हमेशा सिर्फ खांसी या जुकाम का नाम दिया गया और कहा जाने लगा कि ये एक चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है जून 1918 का। ब्रिटेन में पूरी तरह फ्लू फैलने के कुछ ही दिन पहले डेली मेल नाम के एक जाने माने अखबार ने लोगों के लिए लिखा कि फ्लू एक मामूली सर्दी की बीमारी है और लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी लापरवाही हमारे देश में भी दिखाई दी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, चिंता ना करें, क्योंकि ये बीमारी किसी की छींक या खांसी के संपर्क में आने से नहीं फैलती है। तो लोग अगर जिनको बीमारी है उनसे दूर रहें तो उनको ये बीमारी नहीं हो सकती। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि दुनिया की गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग अपना काम करते रहें। गवर्नमेंट के लीडर्स जानते थे कि अगर उन्होंने अपने देश में लॉकडाउन लगवाया तो एक विश्व युद्ध लड़ना और देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को मजबूत रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से सही जानकारी के बिना देश के लोगों का उनकी सरकार के ऊपर से विश्वास टूटता गया। हालांकि जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ती रही सही जानकारी भी बाहर आती रही, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था कि उन्हें जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत। इसकी वजह से हेल्थ केयर प्रोटोकॉल्स या उपायों को लागू करना और मुश्किल हो गया। बैक टू 2020, ये जाहिर है कि हमने 100 मिलियन की तबाही से कुछ ज़्यादा नहीं सीखा। 3 मार्च 2020, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कई जगह हाथ मिलाते हुए और गले मिलते हुए दिखाई दिए गए। उन्होंने कहा कि हाथ मिलाने से ये वायरस नहीं फैलता है और दूसरे लीडर्स भी हाथ मिलाने में खुश हैं। 27 मार्च के दिन खबर आई कि बोरिस जॉनसन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19।
हालांकि कोविड-19 के लिए दुनिया भर में सरकार धीरे धीरे मजबूत फैसले ले रही है। आज और 1918 की सच्चाई यही है कि कभी कभी गवर्नमेंट हमेशा सही बात को पहले नहीं रख पाती। इसलिए 2020 में 1918 की तरह दुनिया भर के हर अस्पताल भीड़ भाड़ की वजह से बंद हो गए। अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी पड़ रही थी और अंतिम संस्कार के लिए ताबूत। 1918 में चाहे अच्छे या बुरे इरादे से कई देश ऐसे भी थे जो शुरुआत से हर केस और बीमारी के हर लक्षण के बारे में सच्ची खबर छाप रहे थे। Which brings us to the second lesson. Lesson number 2. How to not name a pandemic. क्या 1918 का स्पैनिश फ्लू सच में स्पेन में शुरू हुआ था? फ्लू के शुरुआती दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इस बीमारी को अपनी जनता से छुपा कर रखा। ये बीमारी स्पेन पहुंची जो World War I का हिस्सा नहीं थे। स्पेन का रवैया इस बीमारी के बारे में काफ़ी ईमानदार रहा और स्पेन के इसी रवैये की वजह से फ्लू बीमारी के बारे में दुनिया को कई असली और फ़ायदेमंद जानकारियां मिलने लगी। राजनीति ने अपना काम शुरू कर दिया और इसी वजह से 1918 की महामारी का नाम आज तक स्पैनिश फ्लू बन गया है। ऐसी महामारी को किसी एक देश, जाति या धर्म से जोड़ना एक काफ़ी आम चीज़ है। जैसे 2009 में हुई स्वाइन फ्लू को शुरुआत में मेक्सिकन फ्लू बुलाया जाता था। 1918 की महामारी को स्पैनिश फ्लू बुलाने की वजह से स्पैनिश लोगों के खिलाफ काफ़ी दंगे हुए। अमेरिका और कई देशों में रहने वाले स्पैनिश लोगों को गाली दी गई, उन्हें मारा पीटा गया, उन पर थूका गया और उनके घर भी जलाए गए। इस तरीके की दशा हमें इंडिया में भी मिली। हमारे देश में 1918 इन्फ्लुएंजा बॉम्बे इन्फ्लुएंजा या बॉम्बे फीवर के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि World War I के सैनिक ब्रिटिश की तरफ से लड़ते हुए मुंबई में समुद्र के द्वारा देश में फ्लू के साथ आए थे। हिस्टोरियन और एपिडेमियोलॉजिस्ट आज तक स्पैनिश फ्लू की शुरुआत के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। फ्रांस, अमेरिका और चाइना कई देश ऐसे हैं जहाँ इस बीमारी की शुरुआत हो सकती थी। किसी बीमारी ने कहाँ से जन्म लिया ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें बीमारी की क्षमता और इसको काबू में करने में मदद करती है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जानकारी हमें कब और कहां से मिल रही है। ये ज़रूरी है कि हम हमेशा गवर्नमेंट सोर्सेज के द्वारा दी गई जानकारी का ही भरोसा करें और 100 साल पहले हुई गलतियों से बचें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि देशों की सरकार जनता के लिए बिना जाँच पड़ताल के ऐसी गंभीर चीज़ों के बारे में कोई बयान ना दे। Which brings us to the third lesson. Lesson 3. How to not control a pandemic. क्या इन्फ्लुएंजा को समझना और सही जानकारी देना काफ़ी था? बिल्कुल नहीं। World War I की वजह से जो महामारी के लिए फैसले करने चाहिए थे वो उल्टे ही हो गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को वॉर में और औरतों को फैक्ट्री या अस्पताल में नर्स के कामों पर लगा दिया गया था। वॉर जोन से बीमार सिपाहियों और अस्पताल से बीमार नर्सों को वहीं रखने के बजाय घर भेज दिया जाता था, जिसकी वजह से ये बीमारी शहरों और गांवों में भी तेजी से फैल गई। कई देशों के लिए युद्ध का खर्चा और लोगों की जानों का संतुलन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इस बात का एक अच्छा उदाहरण है जॉन मार्टिन पोअर, द गवर्नर ऑफ अमेरिकन सामोआ, जिन्होंने फ्लू की खबर आते ही अपने रीजन को लॉकडाउन में डाल दिया। अमेरिकन सामोआ में किसी की भी मौत नहीं हुई, जबकि वेस्टर्न सामोआ, जिन्होंने काफ़ी महीनों बाद लॉकडाउन घोषित किया, वहाँ पे 30% आदमी, 22% महिलाएं और 10% बच्चों की फ्लू की वजह से मृत्यु हो गई। ये हम आज की दशा में भी देख सकते हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और कुछ हद तक जर्मनी जैसे देशों में इटली और यूके की तुलना में कोविड-19 की मौत और केसेस काफ़ी कम है। साउथ कोरिया, जापान और इंडिया जैसे देशों में भी इस स्थिति को काफ़ी अच्छे से संभाला जा रहा है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसका जवाब हमें चौथे और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर मिलेगा। लेसन नंबर 4. हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ पैंडमिक। क्या 1918 का फ्लू एक ही बार में ख़त्म हो गया था? 1918 के इन्फ्लुएंजा ने हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाया कि हर वायरस या हर बीमारी वेव्स में आती है। पहली वेव मार्च 1918 में आई थी, जो काफ़ी हल्की और कंट्रोल में थी। दूसरी वेव उसी साल अगस्त में आई थी, जहां वायरस एक खतरनाक रूप में बदल गया था और दुनिया भर में फैल गया था। तीसरी और आखिरी वेव 1919 की शुरुआत में आई थी, जो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी और दुनिया भर में काफ़ी कम जगहों में फैली थी।
1918 की दूसरी वेव पहले की तुलना में बहुत खतरनाक थी, क्योंकि बहुत सारे सैनिक वॉर से घर लौट आए थे। वॉर ख़त्म हो गया था और लोग जीत की खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसकी वजह से फ्लू और फैलता गया। कनाडा में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां ये बीमारी तेज़ी से फैली और डॉक्टर्स की कमी पड़ने लगी। इसके वजह से कनाडा में कम से कम 50,000 लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर वन वाले देश 1918 में हुई चीज़ों से ज़्यादा सीख नहीं ले पाए। इसका एक कारण ये था कि वॉर भी उसी वक्त ख़त्म हुआ था, और जैसे ही फ्लू कम होने लगा, लोग उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहते थे। वॉर और फ्लू की तबाही के बाद लोग जीत का जश्न बनाना पसंद करते और महामारी को पीछे छोड़ देते, लोग ही नहीं सरकारें भी। दूसरी ओर कनाडा ने फ्लू का कर्व कम होते ही एक पैंडेमिक प्रोटोकॉल बनाया। इसकी वजह से कनाडा में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की शुरुआत हुई। इसके 5 ज़रूरी पिलर्स हैं, जिनकी मदद से आने वाली सरकारों ने भी कई पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की तरफ सही रवैया बनाया। ऐसी रिस्पॉन्स की वजह से ही कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम आज तक दुनिया भर में श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छी खबर ये है कि महामारी आखिर में ख़त्म हो ही जाती है, और अगर अच्छे से संभाला जाए 2020 की ये महामारी भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। हम सिर्फ यही उम्मीद रख सकते हैं कि दुनिया की सरकारें 100 साल पहले हुई 100 मिलियन मौतों को याद करें और उनसे सीखें। हिस्ट्री में नॉट बी रिपीटिंग इट सेल्फ, बट इट इज़ सिमिलर इन मैनी वेज। थैंक यू।